काल अपने बापू के लिए आपने राज्य सरकार से जमा कराए, हमारी कल पूरी जमीन हाईकोर्ट से बंद हो गई थी, हमारे जो कानून बनाया हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी सचिव पायलट साहब जब ये योजना थी उन्होंने वहां पे घोषणा की थी कि 2025 का जो कानून है मंत्रालय वाले छोटी छोटी है या ताजमहल विक्टोरिया बनाए 2025 के अंदर छोटी काले वाली नीलामी से उसको रोकेंगे। मेरा जनता की तरफ से आवाज है कि आप हमारी छोटी काले हमारा प्रदेश के अंदर छोटी रुपया का साधन है और आपने 2011-12 के अंदर बजट भाषण के अंदर मंत्रालय की कहीं किसी प्रणाली की घोषणा की थी भी चंदे बचे हो गए टाइम का बहुत अभार है। मैं आप सभी की तरफ से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का और आए सभी मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ और हमारे रघु जी शर्मा चिकित्सा मंत्री है मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल 70 बेड का है तो 100 बेड की घोषणा करे ताकि डॉक्टर कोई भरी जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद राम राम का कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं बुलाना चाहूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव परम आदरणीय अविनाश सिंह पांडे साहब जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे माननीय अविनाश पांडे साहब। जाप के तो लाल लाल घूम रहे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष सचिन पायलट जी, राजस्थान के सम्मानीय एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत जी, मेरे सह प्रभारी एवं मेरे सहयोगी वसुंधरा साहब, हमारे साथी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं आदरणीय मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, प्रभारी मंत्री आदरणीय सुखराम बिश्नोई जी, हमारे साथी बहन डॉक्टर ज्योति मिर्जा जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री जाकिर हुसैन कैसावर साहब मेघवाल जी, श्रीमती चौधरी जी, श्री शौकत अली गौर साहब, भाई हेमंत शरीफ चौधरी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय नेतागण, यूथ कांग्रेस, NSUI सेवा दल, महिला कांग्रेस के सभी सम्माननीय अध्यक्ष एवं पदाधिकारी गण, यहाँ उपस्थित कांग्रेस के सभी सम्माननीय नेतागण और मेरे साथियों, मिशन 25 का संकल्प लेके आज आप लोगों के बीच विशेष रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, संगठन के प्रमुख, कांग्रेस संगठन के प्रमुख आदरणीय अशोक गहलोत जी और आदरणीय सचिन पायलट जी, विशेष रूप से एक संकल्प लेकर माननीय राहुल गांधी जी के आदेश अनुसार पूरे प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। यह संकल्प आप लोगों ने हमको विश्वास और पिछले दिनों राजस्थान की जनता ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बहुत बहुत